अल्लाह बरकातु हजरत मौलाना पी एम मुजम्मिल साहब दामद बरकातु हम कामरटी में बखैर व आफियत के साथ हैं। थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप सभी हजरत दुआ फरमाएं, हजरत मौलाना को कामिल सेहत अता फरमाएं और उनके साथ ही सब खैर व आफियत के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। मैं मोहम्मद अजहर खादिम मौलाना पी एम मुजम्मिल साहब रशादी दामद बरकातुम बोल रहा हूँ। कल मौलाना पी एम मुजम्मिल साहब का परभनी महाराष्ट्र में प्रोग्राम था। हजरते वाला प्रोग्राम से फारिग होकर हैदराबाद आ रहे थे। आज सुबह 8 बजे हजरते वाला की हैदराबाद टू बेंगलुरु की फ़्लाइट थी, तो रात 4:30 बजे कामरड्डी के करीब हजरते वाला का एक्सीडेंट हुआ है। लहारी वाला ओवरटेक कर हजरत की गाड़ी को ठोककर चले गया है, जिसके वजह से हादसा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरते वाला मौलाना मुजम्मिल साहब की तबीयत तो आराम है, हजरत को वैसा कोई सीरियस की बात नहीं है। सर को थोड़ा बहुत मार लग गया और टाके पड़ गए, और पैर को थोड़ा मार लग गया और हाथ को मार लग गया है। और उनके हम सफ़र उनके खादी में ख़ास ज़बीउल्लाह साहब जो बेंगलुरु के थे, जो हजरत के साथ हमेशा हम सफ़र थे, उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे ज़बीउल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे नसीब फरमाए। हजरत की बहुत खिदमत करते थे, उनका इंतकाल हुआ है, तो इंशाल्लाह अभी मैं भी हजरत के पास 2 घंटे में करीब हजरत के पास पहुंचूंगा इंशाल्लाह। वैसा मुजम्मिल साहब की तो तबीयत सब ठीक है, वैसा कोई सीरियस की बात नहीं है। हजरत की भी सेहत आफियत के लिए दुआ फरमाएं और ज़बीउल्लाह साहब की मगफिरत के लिए दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तबीयत तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ, अभी ट्रेन में हूँ। दुआ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।